ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई को IELTS का, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रीडिंग में आती है। और इन द फ्यूचर अगर हम बात करें, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगी अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा, क्योंकि हम आपके साथ एक्यूरेट प्रेडिक्शन को शेयर करेंगे इसी वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ देखते हैं। लास्ट 5 से 6 एग्ज़ाम हो चुके हैं कंटिन्यू। जून मंथ में 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्लस जुलाई मंथ में 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, 6 जुलाई को 11 जुलाई को। अगर ओवरऑल 5 या फिर 6 एग्ज़ाम की बात करें जो कंटिन्यू रिसेंटली होकर गए हैं, तो प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन 100% हिट गई है हमारी PDF में से। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम पेज बने हुए हैं, जो गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिखकर बीच में PDF को शेयर कर रहे हैं YouTube के ऊपर और Insta के ऊपर। बट हेयर यू कैन सी एवरी प्रूफ विद मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ है। मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं होती और कभी भी झूठ नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो ऑनलाइन क्रिएट की जाती है फ़ोन के ऊपर। जस्ट लाइक आपके हाथ में आपका फ़ोन है, आपके मोबाइल में फंक्शन होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का। कभी ना कभी आपने भी व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी की डेफिनेटली करी होगी। सो दैट इज़ ए ट्रू। अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर अच्छा एग्ज़ाम प्रिडिक्शन PDF लेकर फोकस कर बढ़िया बैंड स्कोर ले सकते हो। बात करते हैं लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, चाहे आपका एग्ज़ाम एकेडमिक होने वाला है, चाहे आपका एग्ज़ाम GT मतलब कि जर्नल का होने वाला है, दोनों की रीडिंग की, लिसनिंग की, राइटिंग की मैंने प्रेडिक्शन प्लस passage 1, passage 2, passage 3 में क्या कुछ आने के चांस है। चाहे आपका एग्ज़ाम एकेडमिक होने वाला है, चाहे आपका GT होने वाला है। GT वालों के लिए इजी, मॉडरेट रहने के ज़्यादा चांसेस हैं तीनों पैसेज के। उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, MCQ देखने को मिलेगा, मैच द इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, येस नो नॉट गिवन देखने को मिलेंगे स्पेशल GT स्टूडेंट्स के लिए। और एकेडमिक के लिए आपने पहले देख लिया है उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग task 1 एकेडमिक वालों के लिए बार, मैप और टेबल के ज़्यादा चांसेस हैं। GT वालों के लिए फॉर्मल लेटर के ज़्यादा चांसेस हैं, प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना। और task 2 की बात करते हैं, एग्री, डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यू। टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, एनवायरमेंट, हेल्थ, मीडिया, एजुकेशन एंड सोशल इश्यूज। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और प्रेडिक्शन PDF के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर ले सकते हो। थैंक यू।